नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं, जहां पर आईपीएल के 13वें सीजन को लेकर काफी मेहनत मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे सौरभ गांगुली जी, क्योंकि किसी भी हाल में वो आईपीएल का इस सीजन को कराना संभव करना चाहते हैं। अगर आईपीएल सीजन नहीं होता है तो लगभग 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि बीसीसीआई आईपीएल के आयोजन के लिए दुबई या श्रीलंका के अलावा बेंगलुरु मोहाली, जयपुर और हैदराबाद के कई सारे विकल्प तलाशे गए, लेकिन इन सब के बाद जो खबर अब सामने निकल कर आ रही है वो कि बीसीसीआई ने तय किया है कि मुंबई के 3 स्टेडियम में मैचेस हो सकते हैं, जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और डीवीआई पाटिल स्टेडियम। क्योंकि आप सभी को बता दें इन तीनों स्टेडियम के नजदीक हैं होटल, और होटल अगर नजदीक हैं तो ऐसे में जो भी क्रिकेटर होंगे उनको ट्रैवल करने से बच जाएगा, समय इसमें बचेगा और साथ ही साथ कम दिनों में कम मैचेस कराया जाना संभव हो सकता है। आप सभी को बता दें इसके अलावा बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने सभी बोर्ड सदस्यों को भी पत्र लिखकर बंद दरवाजे के पीछे तैयारी करने को कहा, यानी गुपचुप तरीके से अब आईपीएल के सीजन 13 को लेकर काफ़ी तैयारी होते हुए देखने को मिल रही है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर आईपीएल टीम के लिए होटल मिल सकता है आसानी से, इससे सभी खिलाड़ियों के लिए ट्रेवल टाइम बच जाएगा, इसी वजह से मुंबई में आईपीएल का आयोजन कराना संभव है। आप सभी को बताया दोस्तों कि कोई भी टीम अपने घरेलू मैचों का आयोजन इस बार नहीं करा पाएगी, ऐसे में आईपीएल होस्ट करने वाले राज्यों को इस बार 3.5 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। जहां पर सभी राज्यों में होता तो कम से कम 3.5 करोड़ तक का फायदा होता था। भारतीय बोर्ड आईपीएल का आयोजन कराने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को सख्ती से लागू कर दिया जाएगा, यानी कि जैसे गेंदों पर लाद नहीं लगाई जाएगी, अगर जिस जगह मैच हो रहा है उस जगह का एम्पायर होगा, यानी उसी घरेलू मैदान का एम्पायर होगा, कुछ ऐसे बड़े नियमों के साथ आईपीएल के मैचेस कराए जाएंगे। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों कि अगर वानखेड़े स्टेडियम में मैचेस होता तो क्या सही रहेगा? क्योंकि अगर आपके अपने राज्यों में होता मैच तो कहीं ना कहीं आप सभी भी इसका हिस्सा बनते, दर्शक बनते, और शायद खबरों के मुताबिक तो हमें यह भी सुनने को मिल रहा है कि अगर मैचेस होंगे भी तो ये शायद बिना दर्शकों के ही होंगे। आने वाला समय ही बताएगा कि कौन से बड़े नियमों के तहत ही आईपीएल के मैचेस कराए जाएंगे, लेकिन ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि सभी लोग जी जान से आईपीएल के सीजन 13 कराने को लेकर मेहनत मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पे ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।